चलिए बेटा हेडिंग डालिए। तो आज के क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो बहुत पुराने टाइम में एटम एंड कंपाउंड्स इन सबको अलग अलग लोग क्लासिफाई नहीं कर पाते थे। ये बात मैं स्टार्ट करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन जो इसका स्टार्ट हुआ है वो 1808 से हुआ है, ध्यान देना। 1808 का मतलब बेटा अभी से 200 साल पहले, 200 इयर्स बैक। अरे थोड़ा सा और मान लो 210-12 के आसपास जाएगा, 12-15। इसके आसपास पहली बार ऐसा हुआ कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। किसी ने सुना है डाल्टन एटॉमिक थियरी? आपको बिल्कुल ऐसे ही ब्रीफ में लिखना है बेटा, ना बिल्कुल ऐसे ही ब्रीफ में लिखना है। वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि भाई एटम क्या है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने बोला कि जब कभी किसी मटेरियल को यानी मैटर पार्टिकल को जब आप तोड़ना शुरू करोगे, ब्रेक करोगे, एंड ब्रेक करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो एक सबसे छोटा यूनिट आएगा, उसको इन्होंने नाम रखा है एटम। और उन्होंने ये बोला ये ऐसा यूनिट है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। एटम को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये बात लिखना शुरू करिए। एज पर डाल्टन एटॉमिक थियरी, अ मटेरियल व्हेन ब्रोकन इनटू स्मॉलेस्ट पीस गिव्स एटम। मटेरियल को अगर आप सबसे छोटे से छोटे में चले जाओगे तो क्या आएगा? एटम। एटम के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया कि एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है। लिख लो, एज पर डाल्टन एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल। और इन्होंने क्या बताया, पूरे जितने भी दुनिया भर में कंपाउंड बन रहे हैं सब इन्हीं अलग अलग एटम के कॉम्बिनेशन से ही बन रहे हैं। और कोई भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट एलिमेंट समझते हो, एलिमेंट जैसे मैं बोल दूं कि बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? O2। O2 में एक एटम दो एटम है ना। तो इन्होंने बताया कि किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल, अलग अलग नहीं होते। मतलब ऑक्सीजन के जो दो एटम होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ये जैसा जितना मास इसका उतना ही मास इसका, जितना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कहीं दूर दूर तक था भी नहीं, जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर चीज की वैलेंसी होगी वैसे ही वैलेंसी इसकी भी होगी। ये सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया। लिखो, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। यहां तक क्लियर है सबको? ये किसने बताया बेटा? डाल्टन ने। कब बताया? 1808 के आसपास। उसके पहले इस तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, है ना। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके कई साल बाद आप यूं बोल लो कि कुछ एक्सपेरिमेंट पैरेलल चल रहे थे, उनमें एक बड़ा पॉपुलर सा नाम है, मैं टाइमलाइन के साथ चल रहा हूं, ठीक है। उसमें बड़ा पॉपुलर सा नाम है, किसी ने सुना है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट? अब ये क्या है मैं समझाता हूं। बेसिकली था क्या कि साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर गैसेस के कंडक्टिविटी के बारे में फिगर आउट कर रहे थे लोग। किसकी कंडक्टिविटी के बारे में बेटा? किसकी कंडक्टिविटी के बारे में? जैसे भाई आपके पास किस चीज का कंडक्टिविटी किसका होता है? मेटल का होता है, होता है ना। तो जैसे मेटल के अंदर कंडक्टिविटी है, कुछ नॉन मेटल जैसे ग्रेफाइट के अंदर कंडक्टिविटी है, वैसे ही गैसेस के अंदर कंडक्टिविटी का खोज कर रहे थे। तो इसमें क्या करके आ रहे थे, एक ऐसा ग्लास ट्यूब ले लिया, यहाँ साइड में ये एक तरह से प्लेट लगा दिए, पैरेलल प्लेट, है ना, और यहां से अलग अलग गैसेस अंदर डाल रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया यहाँ पे, भाई यहाँ पे स्टॉपर था उससे कंट्रोल करते थे प्रेशर कम करना ज्यादा करना, उसके हिसाब से ये गैसेस अंदर फिल करते थे।
किया क्या, ये जो बैटरी का वोल्टेज है ना, ये वेरिएबल है, ये साइन का मतलब होता है वेरिएबल, अपने हिसाब से जब चाहे बढ़ा ले जब चाहे घटा ले। तो जब इस बैटरी के वोल्टेज को रेगुलेट किया तो बहुत हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज, 10,000 के ऑर्डर का जब वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया और यहां प्रेशर को लोअर प्रेशर साइड में जब रिड्यूस किया तो उन्हें दिखाई दिया। वैसे आपको बता दें दो तरह के प्लेट होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कौन कौन सा प्लेट बेटा? एक होता है कैथोड, आपको मालूम है ये जो नेगेटिव, ये जो छोटा वाला मैंने ऐसे साइड बताया बैटरी का, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये जो बड़ा सा साइड बनाया ये पॉजिटिवली, और यही जा करके यहां पे क्या बनेगा, प्लस, ये पॉजिटिव प्लेट और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैथोड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। कैथोड किसको बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कैथोड। ये क्या है? ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वोल्टेज काफी ज्यादा रखा तो ऐसा देखा कि इस साइड से कोई रेडिएशन निकल के आ रही है, ऐसा मानो जैसे वो कैथोडिक प्लेट से निकल के आ रही है। उसका नाम क्या रख दिया? कैथोड रे। क्या नाम रख दिया? कैथोड। कब मिला कैथोड रे? बहुत हाई वोल्टेज पे और एक मिनिमम प्रेशर साइड में जब रखा तब उसको देखने को। नेचुरली जब रेडिएशन निकलते हैं तो उसका एग्जामिनेशन भी होता है, जब इसका एग्जामिनेशन किया तो पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है। और क्या खास बात है भाई, ये आगे चल करके इसके सामने कुछ फ्लाई व्हील्स रखे तो देखे कि भाई ये फ्लाई व्हील्स को ऐसे रोटेट करा दे रहा है, इससे क्या कंफर्म हुआ कि पार्टिकल नेचर है। फिर और चेक किया तो पता चला भाई पार्टिकल कैसा है, प्लस है या माइनस है, किस तरह का है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के चीजों में पास करोगे तो बेटा ये देखा गया कि ये पार्टिकल उधर की तरफ अट्रैक्ट होता है जिधर हमारा क्या है, प्लस। इससे ये समझ में आया कि ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्लस किसको अट्रैक्ट करता है, माइनस। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिला कि ये जो कैथोड रे के पार्टिकल हैं, ये कौन सा आप गैस अंदर ले रहे हो उस पर डिपेंडेंट है ही नहीं। आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो भी वही निकल रहा है, आप हीलियम ले रहे हो तो भी वही निकल रहा है, नाइट्रोजन ले रहे हो तो भी वही निकल रहा है, पॉलीएटॉमिक गैसेस ले लिए तो भी वही निकल रहा है। क्या समझ में आया? इसका मतलब कोई ना कोई एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसा है जो हर एक मटीरियल में प्रेजेंट है। हर एक मटीरियल में प्रेजेंट है इसका मतलब एटॉमिक लेवल पर भी प्रेजेंट है। और उसका चल करके आगे जे जे थॉम्सन साहब ने नाम क्या डाल दिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कवरी था। इससे ये पता चला कि एटम जिसको रदरफोर्ड साहब क्या सॉरी डाल्टन साहब क्या बोल रहे थे कि फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ा गया किसमें, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और बाकी बचे हुए पोर्शन में। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिवली चार्ज बचा था उसका कोई नामकरण नहीं किया, उसको बोला कि एटम कुछ ऐसा ही है। तो आप लिखना शुरू करो, लिखो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर लिखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसके नीचे लिखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके आउटकम लिखो, कैथोड के बारे में लिखो, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड एंड द वोल्टेज इज केप्ट वेरी हाई एंड द प्रेशर इज लो। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड एंड वोल्टेज इज वेरी हाई एंड और क्या चीज, प्रेशर इज लो। आउटकम क्या है कैथोड रे का, उसके बारे में लिखो, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बताओ, अगर वो इलेक्ट्रॉन है बेटा, कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ऑक्सीजन का हो या हाइड्रोजन का हो या नियॉन का हो, सबका तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए उसकी जो चार्ज बाई मास की वैल्यू होगी क्यू बाई एम। पता है इसको क्या बोलते हैं? क्यू बाई एम का नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ई बाई एम भी बोलते हैं। क्यू बाई एम का नाम क्या है? स्पेसिफिक चार्ज। तो उसकी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है? कॉन्स्टेंट। लिखो, द स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू ऑफ, द स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट है बोलिए? इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द ट्यूब। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, ब्रैकेट में लिख लिया आपने क्यू बाई एम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज? द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द ट्यूब। यहां तक सबको क्लियर है? बोलिए। हाँ, अब इसके बिहाफ पे जे जे थॉम्सन ने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया? उन्होंने बोला एटम क्या है ना, रदरफोर्ड साहब गलत, सॉरी डाल्टन साहब गलत बता रहे थे। उन्होंने बोला कि एटम को आप तोड़ ही नहीं सकते हो, बट हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे तो एटम टूट रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सभी एटम में इलेक्ट्रॉन है, और अगर नेगेटिव चीज निकल रहा है तो पक्का पॉजिटिव भी होगा, तभी तो एक एटम न्यूट्रल होता है, अदरवाइज वो न्यूट्रल कैसे होगा? तो उन्होंने बताया कि भाई आपको अगर एटम समझना है तो ऐसे समझो जैसे एक वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन के अंदर जो उसके ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं उनको आप इलेक्ट्रॉन की तरह समझो, और जो बाकी उसका असली मटेरियल होता है जिसको आप खा जाते हो वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज और मास। तो उन्होंने बताया जे जे थॉम्सन ने कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, अलग अलग जगह पे वो गुथे हुए हैं, दे आर एम्बेडेड एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट इट डाउन। हाँ, इसी को वॉटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, मतलब इसको आप केक की तरह समझ सकते हो, जो चेरीज हैं उसको जगह जगह ऐसे, ठीक है? लिखो एक बार, आफ्टर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, आफ्टर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जे जे थॉम्सन कॉन्क्लूडेड दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज लाइक वाटरमेलन और प्लम पुडिंग, इसलिए उनका नाम क्या डाला? वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन मॉडल और दूसरा क्या चीज? प्लम पुडिंग मॉडल। सबको क्लियर है यहां तक? उसमें क्या बताया भाई इन्होंने, किसके बारे में डिस्कस किया? वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल में क्या बताया? कि भाई क्या डिस्कस किया इसमें? इसमें यही डिस्कस किया बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एंड पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट इट डाउन। द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास is uniformly distributed throughout the sphere. Whereas the electrons are embedded at different place. अब एक बात बताओ, इनके हिसाब से, वॉटरमेलन मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या है? फिक्स जगह पे है, और जो पूरा मास है
वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे वाटरमेलन के अंदर है कि उसको काटोगे तो पूरा का पूरा हॉलो नहीं होता ना बेटा, वो पूरा भरा हुआ रहता है, वैसे इन्होंने। यहां तक क्लियर है? अब भाई लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक्सपेरिमेंट से तो कहीं ये प्रूफ नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट से तो सिर्फ ये प्रूफ होता है कि कोई नेगेटिव चार्ज का भी पार्टिकल है जो निकल के बाहर आ रहा है, उसमें ये तो प्रूफ नहीं होता है ना कि वाटरमेलन जैसा है, अंदर का पूरा चीज सॉलिड है, हॉलो नहीं है। इस चीज को आगे चल करके चेक किया किसने बेटा? रदरफोर्ड ने। किसने चेक किया? कोई नाम बता सकता है कि रदरफोर्ड का वो कौन सा फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसने ये बात प्रूफ किया कि एटम सॉलिड नहीं पूरी तरीके से हॉलो है? हाँ, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। डिंग डालो, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया कि एक बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल ले ली, थिन गोल्ड फॉइल, और यहां पे एक ऐसा सेटअप बनाया, ये आप ऐसे समझ लो कि ये इस तरीके जैसे मेरा हाथ है ना, ये सामने, इसको ऐसे फोल्ड कर दो और इसको ऐसे लगा दो, तो क्या हो रहा है? बेसिकली ये एक तरह से रिसेप्टर प्लेट है कि इधर से कोई चीज आएगी तो इस पे टकराएगी, तो ये प्लेट ऐसे बाहर और अंदर की तरफ है बेटा, समझ गए ना? इस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे। ये थिन गोल्ड फॉइल है, मतलब सोने की पतली, कैसे? हैमरिंग कर करके उसको पतले शीट में कन्वर्ट किया, और यहां पे रख लिया एक ऐसा सोर्स जो कि रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव सोर्स। बताओ भाई, रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल किसको बोलते हैं, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? एनीवन? हाँ रूपम, व्हाट इज रेडियो एक्टिव मेटल? चलो गुनीत, व्हाट इज रेडियो एक्टिव मेटल बेटा? What do you understand by the term radioactive metal? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, कौन बता सकता है ऑनलाइन में? कौन बता सकता है? Raise your hand. Radioactive किसको बोलते हैं, कौन बता सकता है? अरिहन, अर्शबीर, हाँ अर्शबीर बताओ बेटा, radioactive metal किसको बोलते हैं या element किसको बोलते हैं? Okay, fine, close enough. ऐसा कोई भी मटेरियल जो अपने आप डिके हो, उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो, टूटे, और उससे कौन कौन सी रेडिएशन मेनली ऑब्जर्व की जाती है? अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, लिखो, अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज दैट विच स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, विच स्पॉन्टेनियसली एमिट अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स, समझ गए? अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, क्या बल्कि ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, पार्टिकल तो अल्फा बीटा होते, गामा रेडिएशन होता, तीनों को हम रेडिएशन के फॉर्म में ले, अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन, ठीक है, अपने आप एमिट करे, ठीक है, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं इसमें। तो बेसिकली उन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव मेटल सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये किसका सोर्स था? चलिए भाई मुझे कौन बता सकता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हाँ जी, हीलियम का जो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वही अल्फा पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम,
न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ये बात लिख लेना, पूछा जाए अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज है तो बोलोगे 2 यूनिट चार्ज है। कोई बोले वैल्यू बताओ तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने से कितना चार्ज आता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने से कितना चार्ज आएगा 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। रिलेटिव चार्ज में प्लस 2 है अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अब यहां से ध्यान से समझना, यहां से जो भी रेडिएशन निकल के आएंगे, जो भी रेडिएशन यहां से निकल के आएंगे वो किस पे टकराते हैं, इस मेटल फॉइल पे। और ये एक जो मेटल फॉइल इतना पतला सा बनाया है, असलियत में उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। तो अब एक बात बताओ, अगर हमारा ये गोल्ड या कोई भी एटम सॉलिड की तरह हो जाए, किसके अनुसार, थॉमसन के हिसाब से, ये एटम क्या है लाइक अ सॉलिड स्फीयर। तो बताओ कोई भी छोटा सा एटम का न्यूक्लियस, अल्फा तो बहुत छोटा है ना, अल्फा में कितने न्यूक्लियॉन्स है, 4, जबकि गोल्ड में कितने हैं, 196 के आसपास, लगभग 200, 50 गुना ज्यादा भारी। अब ये कुछ ऐसी बात हो गई कि बिल्कुल 2-3 साल के बच्चे के सामने एक बहुत ही हैवी, मतलब महाबली खली को सामने ला दो। खली को जानते हो ना तुम लोग, हाँ, WWE चैंपियन, उतना भारी भरकम शरीर वाला, और 1-2 साल 2.5 साल के बच्चे के सामने बताओ, वो अगर दौड़ करके भी आए और बोले कि खली को मैं एक पंच मारूंगा तो कौन गिरेगा उल्टा, वो बच्चा गिरेगा या खली गिरेगा, बच्चे गिर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल इज सच अ स्मॉल पार्टिकल एज कंपेयर टू दिस लार्ज एंड ह्यूज साइज ऑफ दीज एटम्स, कि ये बेचारा आना चाहिए और यहीं टकरा करके यहीं नीचे गिर जाना चाहिए, या इसी साइड में रिफ्लेक्ट होकर के आ जाना चाहिए। बट यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो इधर से शूट किया गया था वो सब इस साइड क्रॉस करके यहां जाके टकरा रहे हैं। मजे की बात ये है कि वो देख तो हम पाएंगे नहीं, क्योंकि एटम तो विजिबल होता नहीं है। तो यहां एक लेयर करते हैं, पता किस चीज की लेयरिंग करते हैं, ZnS की। What is ZnS बेटा, ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर बहुत छोटे पार्टिकल भी हाई वेलोसिटी से आके टकराते हैं तो उस जगह पे सेंटिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, चमक आती है वहां पे, और उसको हम टेलीस्कोप की सहायता से, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखते हैं वहां पे कहां चमक आ रही है। तो आप सोचो ये जा करके यहां पीछे टकरा रहे हैं, जहां ज्यादा चमक आ रही है वहां ज्यादा पार्टिकल हिट कर रहे हैं। तो क्या सरप्राइजिंग चीज मिला, एक्सपेक्टेड था कि इधर ही लड़ करके इधर ही रह जाना चाहिए अगर वो सॉलिड हुआ, बट रिजल्ट्स में क्या देखने को मिला ऑब्जर्वेशन में, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉस्ड थिन गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिविएशन, स्ट्रेट जाके यहां टकराए सब। उनमें से कुछ ऐसा देखने को मिला जो कुछ एंगल पे भी गए, एंड बहुत कुछ ऐसे देखने को मिले जो इधर आए और इधर। और इसका किताब में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन है, 1 in 20,000, 20,000 अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं ना, तो उनमें कोई एक है जो टकरा के पीछे आ रहा है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम इसको क्रॉस करके अपोजिट साइड चले ही गए। समझ आया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट सामने आया तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एटम पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉलिड होता तो ये जाके यहां टकराता और इसी साइड में पीछे आ जाता। रियलिटी में एटम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, खाली। तो इन्होंने कंक्लूड करके ये समझाया कि जो एटम है उसका जो पूरा मास है वो एटम के साइज से बहुत छोटा, बहुत छोटा, बिल्कुल इतना छोटा कि 1,00,000 गुना छोटा है। एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम होता है तो न्यूक्लियस का साइज 1 फर्मी। कोई बता सकता है 1 फर्मी कितने को बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं 10⁻¹⁰ मीटर या -8 सेंटीमीटर को, फर्मी बोलते हैं 1,00,000 गुना छोटा, -15 मीटर, इतना छोटा होता है, इसको फर्मी बुलाया था।
न्यूक्लियर डायमेंशन, इतना छोटा उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस। अब इसको समझो तो बड़ा मजा आएगा देखने में, ठीक है। अगर एक एटम को तुम क्या समझ लो, सॉरी एक न्यूक्लियस को तुम बिल्कुल 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 कितना मैं बताऊं, बिल्कुल इतना छोटा सा एक स्फेरिकल बॉल समझ लो जितना मेरे यहां पे आ जाए, जो इतना बिल्कुल मार करके विड्थ के बराबर, इतना छोटा, एक सेंटीमीटर का छोटा सा कंचा समझ लो। कंचा समझते तुम मार्बल्स, हाँ वैसे समझ लो। तो पता है एटॉमिक साइज कितना होगा? 1 किलोमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर का अगर ये हुआ तो एटम कितना, 1,00,000 गुना बड़ा होगा, तो 10^5 सेंटीमीटर, एंड 10^5 सेंटीमीटर को बदलोगे तो 1 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि अगर न्यूक्लियस इतना बड़ा है तो एटम कितना बड़ा हुआ, यहां से सेक्टर 34 की लाइटों पे चले जाओ, वहां से एक बड़ा सा सर्कल ऐसे बनाओ घूमते घूमते, तो जाकर के आएगा 1 किलोमीटर। एज्यूम दैट इतना बड़ा है एटम, तो तब सोचो खूब सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल भी तो न्यूक्लियस ही होता है, वो तो इतना ही छोटा है, इससे भी छोटा हो। कुछ वहां बगल वाले क्लासरूम से निकल गया, कुछ बगल वाले क्लासरूम से निकल गया, कोई फर्क पड़ा क्या? 200,000 अल्फा पार्टिकल आएंगे तब जाके कोई एक अल्फा पार्टिकल इसकी सीध में आएगा पूरे 1 किलोमीटर की रेडियस में, अदरवाइज मैक्सिमम सब क्रॉस कर जाएंगे। समझ में आया? तो ये इनका कंक्लूजन था कि जो ओवरऑल, अच्छा बात रही मास की, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो आपको समझ में आ गया। चार्ज की बात रही कि प्लस चार्ज कहां है, तो वो भी उन्होंने बोला न्यूक्लियस। कैसे उन्होंने बोला? अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये डिविएशन नहीं होता। चार्ज है तभी तो डिविएशन है, क्योंकि अगर ये प्लस है और यहां से अल्फा पार्टिकल जो खुद प्लस था जब इसके नजदीक आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर आएगा तो ये इसको इधर धक्का देगा, तो इसका पाथ ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ से आएगा तो इधर की तरफ धक्का देगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का जो डिविएशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। समझ में आया? लिखो, ये डायग्राम बनाओ अल्फा स्कैटरिंग का, एंड इसके बाद लिखना शुरू करो।
कर लिया बेटा सबने, डायग्राम बना लिया। अब आप इसके बारे में लिखिए एक एक करके पॉइंट। ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, राइट इट डाउन, ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। क्या था ऑब्जर्वेशन बोलिए? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड या क्रॉस्ड थिन गोल्ड फॉयल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड, क्या चीज पास कर गए? थिन गोल्ड फॉयल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। देखो सेकेंड पॉइंट लिखो आप, फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। नेक्स्ट लिखो, वेरी फ्यू ऑफ देम, 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, बिल्कुल सीधा जाकर के बिल्कुल पीछे आ गए, बाउंस्ड बैक, वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस्ड बैक। लिखो ये क्या था ऑब्जर्वेशन। कॉन्क्लूजन क्या था इससे, उन्होंने क्या कॉन्क्लूड किया जो हम बोलते हैं, क्या कॉन्क्लूड किया? पहला चीज, यस द होल मास ऑफ एन एटम, the whole mass of an atom कहां पे concentrated है, is concentrated on a very small center which is known as nucleus। the whole mass of the atom is concentrated on very small, बोलिए वेरी स्मॉल सेंटर, जिसको क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। सबको क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है? हाँ, अगली चीज लिखिए, अगली चीज लिखिए। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, द न्यूक्लियस इज positively charged। positively charged particle, nucleus is positively charged particle। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बोलिए अब क्या प्रॉब्लम आया भाई? अच्छा यहां पे साइज भी लिख लो, आगे नीचे लिखो, द न्यूक्लियस इज 10^5 टाइम्स स्मॉलर देन दैट, the nucleus is 10^5 times smaller, 10^5 times, मतलब 1 lakh times, 10^5 times what? smaller than the size of atom, than the size of atom। क्या आप लिख लोगे size of atom कितना होता है? साइज ऑफ एटम कितना है? 1 angstrom। लिखा है आपने? लिखो, साइज ऑफ एटम इज नियरली 1 angstrom। और 1 angstrom कितना होता है बेटा? 10^-10 वॉट मीटर। लिख लिया सबने? आगे लिखिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस the size of nucleus कितना होता है? न्यूक्लियस का साइज
10 टू द पावर, बिल्कुल सही, लिखो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। क्लियर है सबको बेटा यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा रदरफोर्ड का अपना कंक्लूजन। अब इससे फिर लोगों ने पूछा कि भाई ठीक है, आपने सबसे पहले डाल्टन को डिस्कार्ड कर दिया कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, आप बोल दिए कि तोड़ा जा सकता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इसका प्रूफ भी मिला है ना। उसके बाद जे थॉमसन ने बताया कि ये वाटरमेलन की तरह होगा, जिसको फाइनली रदरफोर्ड ने ब्रेक कर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल वाटरमेलन जैसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मास और चार्ज उसका सेंटर पे ही है। तो फिर लोगों ने पूछा कि भाई फिर आपके हिसाब से एटम कैसा दिखेगा? तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, क्या है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? तो इनके हिसाब से ऐसा है कि कोई एटम बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपने चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सन के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते हैं। सबसे नजदीक कौन होता है सन के? बोलो, अब तुम लोग बताओ यार, तो तुम लोगों ने पढ़ा है ना। नंबर थ्री पे कौन होता है? देखिए किसका जनरल नॉलेज कैसा है। खैर चलो, जैसे अभी हो, फिलहाल यहां से आपको यह समझाना था कि सन अलग अलग प्लेनेट्स को क्या करता है, अपनी तरफ सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ हमेशा खींचता है। ये यहां गए तो भी सेंटर की तरफ लगेगा, यहां गए बताओ फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है ना, अभी ऐसे हो गया, फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है, हमेशा किधर की तरफ रह रहा है? सेंटर की तरफ। ऐसा कोई फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगे, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या नाम होता है? सेंट्रिपिटल। तो इन्होंने बोला जैसे अर्थ को या अलग अलग प्लैनेट्स को सन अपने चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगवा रहा होता है, ठीक वैसे ही यहां पे वो काम कौन करता है? न्यूक्लियस, जिसका चार्ज क्या है प्लस, वो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, एफसी, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स भाई कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो फोर्स होगा, तभी तो सेंटर की तरफ। कौन सा फोर्स है ये? यहां बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं हिंदी में, ग्रेविटी अंदर की तरफ खींच रहा है। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू जी एम वन M2 अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ही बेटा यहां कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस यहां नेग्लिजिबल हो जाते हैं एटॉमिक लेवल पे, तो यहां पे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आप इस बार 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? के, जिसको 1/4πε0 बोल, q1 q2 upon r square, बिल्कुल देखो उसकी तरह याद कर लो। यहां मासेस का प्रोडक्ट था अपॉन आर स्क्वायर, यहां चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन आर, ये 1/4πε0 है। पता है 1/4πε0 की एसआई यूनिट में वैल्यू कितनी होती है? 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इट इज दैट बिग। और ये तो आपको मालूम बहुत कम होता है। है ना? तो बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स। ये कैसा कूलम्ब फोर्स क्या होता है? कभी भी दो चार्ज पार्टिकल अपोजिट हो जाएं तो हमेशा उनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर दूसरा क्या नाम देते हैं, कूलम्बिक फोर्स। ये बात लिखिए आप,
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, लिखो, एज पर रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. एज पर रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन, एज पर रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. सर्कुलर पाथ, सर्कल में घूमने के लिए हमेशा एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो सेंटर की तरफ लगना चाहिए, और वो कौन सा फोर्स बोलेंगे उसको, सेंट्रीपिटल. यहां कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक. लिखो, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाई कौन प्रोवाइड करता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कुलाम्बिक फोर्स. आई एम कुलाम्बिक फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, के का वैल्यू लिख लो. कर लिया सबने, बोलिए. कुलाम्बिक फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया सबने और के का वैल्यू लिख लिया, 1/4 pi epsilon = 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर. सबको क्लियर है? बोलो. तो ये तो था किसका बेटा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. तो पहली बार ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन भाई कहीं पे एम्बेडेड नहीं रहते, वो बल्कि घूम रहे होते हैं. कैसे घूम रहे होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में. किसकी तरह घूम रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड. इसलिए रदरफोर्ड के इस एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम. लिखो, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम. प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम. प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम. प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम. सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? चलो ठीक है. अब पता है प्रॉब्लम क्या आया, इतना सब कुछ सही चल रहा था, बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें प्रॉब्लम आ गया कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल. कितने लोगों ने नाम सुना? और उनकी एक थियरी थी, मैक्सवेल थियरी ऑफ
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। इनके हिसाब से क्या था? एज पर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा। कैन यू राइट इट डाउन? एज पर मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एज पर मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनी चार्ज पार्टिकल व्हाट इफ एनी चार्ज पार्टिकल टेल मी अंडरगोइंग एक्सेलरेटेड मोशन विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? हाँ, विल प्रोड्यूस रेडिएशन या विल प्रोड्यूस एनर्जी या विल रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Will radiate energy in form of electromagnetic radiation. तो अब इससे problem क्या है भाई? इस theory से क्या problem है? रोहित बताओ। हाँ, basically क्या होगा कि आप देखो, आप बोल रहे हो कि circular path में घूम रहा है। अच्छा, electron charge particle भी है, any charge particle undergoing accelerated। आप बताओ क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ जी, हो रही है। पहले इधर था, अब इधर हो गया। वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी भाई। आप उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है कांस्टेंट कर लो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। हाँ, तो अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेटेड है तो हर समय कुछ ना कुछ इसमें से एनर्जी निकलेगा। एनर्जी निकलेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, स्पीड कम होता जाएगा, और न्यूक्लियस अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट कर रहा है, और इसका स्पीड कम हो जाएगा तो बेटा धीरे 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 ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते होते न्यूक्लियस के अंदर ही घुस जाए। ये पाथ क्या बोलते हैं? स्पाइरल पाथ। कौन सा पाथ है ये पूछा जाता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो वही पुराने बात पे आ गए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ एम्बेडेड है। बिल्कुल, कौन से मॉडल पे आ गए हम लोग? कौन से मॉडल पे? जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पे। बट आप सभी को मालूम है जे जे थॉमसन तो करेक्ट मॉडल नहीं था। कैसे? अल्फा स्कैटरिंग से ये प्रूफ हुआ। तो फिर रदरफोर्ड साहब ने बोला भाई मुझे ये नहीं मालूम ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन एटम का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया। इसलिए कभी ये नहीं बोलते कि रदरफोर्ड का मॉडल गलत था इनके बिहाफ पे। हाँ, ये जरूर बोलते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं हो पाता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है वो क्यों स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता है, जबकि जाना चाहिए। किसके थियोरी के हिसाब से? लिखो ये बात, ये बात लिखो। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल
एंड सिंस इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इट इज एक्सेलरेटेड ऑल्सो. इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड सिंस इट इज क्या कर रहा है ये बोलो मूविंग इन सर्कुलर पाथ सो बोलो इट इज एक्सेलरेटेड ऑल्सो क्योंकि जो सर्कल में घूमेगा उसकी वेलोसिटी बदल रही है एंड चेंज इन वेलोसिटी से ही क्या आता है पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन सिंस इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इट इज एक्सेलरेटेड ऑल्सो हेंस इट विल रेडिएट एनर्जी एज पर मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हेंस इट विल रेडिएट एनर्जी एज पर किसके हिसाब से मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबको समझ में आ गया सो इलेक्ट्रॉन विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ सो इलेक्ट्रॉन विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड विल फाइनली मर्ज विथ न्यूक्लियस किसके साथ मर्ज कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ विल मर्ज विथ न्यूक्लियस समझ में सो लिखो कंक्लूजन क्या है सो रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम सो रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम ठीक है तो अभी तक कहानी में क्या समझ में आया कि भाई पहले कहां से शुरू हुआ कि एटम तोड़ा नहीं जा सकता है इतना छोटा है कि ब्रेक नहीं कर सकते किसके हिसाब से डाल्टन के हिसाब से आगे चल के कुछ एक्सपेरिमेंट हुए तो क्या पता चला भाई एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये पता चला कि नहीं भाई एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है वो फंडामेंटल पार्टिकल फिर मॉडल क्या आया एक सॉलिड स्फीयर जैसा जहां इलेक्ट्रॉन जगह जगह गुथे हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज एंड मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फीयर फिर वो भी गलत प्रूफ हो गया किसके द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने क्या प्रूफ किया कि नहीं भाई मैक्सिमम पोर्शन तो खाली है और 100,000 गुना छोटा है न्यूक्लियस एटम के साइज के अब जब उन्होंने अपना मॉडल बताया कि प्लेनेटरी मॉडल के जैसा होगा तो उसमें भी कमियां निकाल दी लोगों ने क्या कमी निकाला कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है सर्कल में घूम रहा है एनर्जी रेडिएट करेगा तो फाइनली घूमते घूमते कहां चला जाना चाहिए न्यूक्लियस समझ में आ रहा है क्या बात न्यूक्लियस में जबकि ऐसा होता नहीं अब देखो यहां के बाद जो अगली थियरी है बड़ा इंटरेस्टिंग है किसकी थियरी है वो नील्स बोर की थियरी किसकी थियरी लेकिन नील्स बोर की थियरी जानने से पहले आपको लाइट के बिहेवियर के बारे में भी जानना पड़ेगा अगर आप वो जान जाओगे लाइट के बिहेवियर के बारे में जान जाओगे तो आप नील्स बोर की थियरी समझ जाओगे हेडिंग डालो लाइट के बारे में चलो आप ही लोगों से क्वेश्चन करते हैं गुनीत कैन यू टेल मी व्हाट इज लाइट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइट वेरी नाइसली एक्सप्लेन वेरी गुड देखो लाइट का बेटा ड्यूअल कैरेक्टर होता है लाइट कैसे बिहेव करता है ड्यूअल कैरेक्टर
इसका नेचर बेटा वेव की तरह भी होता है और दूसरा पार्टिकल की तरह। एंड वेव के अंदर लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह कंसीडर किया जाता है। इन फॉर्म ऑफ वेव इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, EMW बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले मुझे ये समझाओ, वेव से आप क्या समझते हो? एनीवन? अर्शबीर, वेव से क्या समझते हो बेटा? वेव क्या होता है? अच्छा ठीक है, और कोई भाई यहां? बिल्कुल, देखो जानवी ने बिल्कुल सही आंसर किया कि वेव एक फिनोमेना है, फिजिकल फिनोमेना क्या है। आप लोग कॉमन मतलब अगर कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करो तो वेव में आप बोलते होगे कि जब आप ऐसे मान लो कहीं पे वाटर स्टोरेज हो, से फॉर एग्जांपल इट इज अ पॉन्ड, और आप यहां से उसमें एक स्टोन फेंको तो स्टोन गिरने के बाद क्या आता है? रिपल्स आते हैं, और वो आपने देखा है कि ऐसे बाहर की तरफ वेवी फॉर्म में वो आने की कोशिश करते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ, पहला दिमाग में ऑब्जर्वेशन आता है कि ये डिस्टर्बेंस जैसा है। लेकिन डिस्टर्बेंस तो साइक्लोन भी होता है, क्या वो भी वेव है? तो आंसर है नहीं। तो वेव है क्या फिर? तो बोलते हैं एक ऐसा फिजिकल फिनोमेना जिसमें जो भी एनर्जी हमने ट्रांसफर करनी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसफर हो जाए, लेकिन उससे मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर ना हो। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा एक स्ट्रिंग ले लो, रोप ले लो, और यहां एक दीवार ले लो, उससे उस रोप को हिंज कर दो, और यहां तुम खड़े हो जाओ, और ले करके अपने हाथ में इसको ऐसे एक हल्का सा जर्क दो। जब आप इसको एक एनर्जी सप्लाई करोगे तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद कितने लोग कह रहे हैं सर यही घूमते घूमते आगे की तरफ जाएगा। तो क्या हुआ, घूमते घूमते यहां पहुंच गया और फाइनली इसको हिट करेगा और ये टूट भी सकता है यहां से। तो क्या ऐसा हुआ? आपने तो इस पूरे, अगर मैं इसमें पार्टिकल लिखना चालू करूं, 1, 2, 3 इनफाइनाइट पार्टिकल इसमें, लेकिन मैंने फर्स्ट पार्टिकल को पकड़ रखा, उसको एनर्जी दी, लेकिन वो एनर्जी फाइनली कहां पहुंच गई? यहां पे। क्या ये वाला पार्टिकल भी टूट के यहां से यहां गया क्या? नहीं सर, ये सारे मीडियम पार्टिकल वहीं रह गए, लेकिन एनर्जी का या मोमेंटम का ट्रांसफर हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? वेव। वेव क्या है? वेव इज अ फिनोमेना वेयर मोमेंटम एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम पार्टिकल। क्या ये बात लिखोगे? व्हाट इज वेव? वेव इज अ फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना, वेयर वेव इज अ फिजिकल फिनोमेना, वेव इज अ फिजिकल फिनोमेना वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बोलिए, वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम takes place from one point to another
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम पार्टिकल. द एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम पार्टिकल. लिख लिया? बोलिए. अब वेव कितने तरह के होते हैं? बहुत सारे तरह के, डिपेंड करता है आप क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं. अब वेव को क्लासिफाई किया जाता है उसके प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है और उसके मीडियम पार्टिकल का ऑक्सीलेशन कैसे हो रहा है. वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं, तो इसके जाने का डायरेक्शन और पार्टिकल के ऑक्सीलेशन का परपेंडिकुलर हो गया ना. ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. और अगर वेव भी ऐसे जा रहा हो और ऑक्सीलेशन भी ऐसे ऐसे हो रहा हो, उसी के डायरेक्शन में हो रहा हो, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल्स अगर परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स, सेम डायरेक्शन में हो तो लॉन्गिट्यूडनल. ये सब आप नोट कर लोगे छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके. डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल एंड द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर, देन इट इज ट्रांसवर्स वेव. इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इफ द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड बोलो और क्या? इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव और बताओ एंड द ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द सेम लाइन, देन इट इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. एक और खास बात होती है, आपने देखा कि ये जो ऑक्सीलेशन है यहां से यहां तक जो ऑक्सीलेशन पहुंच रहा है, तो बेटा इन दो पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. ये बोलते हैं ना. और इनको क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बताओ. ट्रफ, जो बॉटम पॉइंट है. इन दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच का जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ. और इतना से यहां डिस्टरबेंस को यहां से यहां पहुंचने में लगे हुए टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वेव स्पीड जिसको ब्रैकेट में वी इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया. डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? लैम्डा. कितना टाइम लिया? टी. अच्छा बेटा, वन अपॉन टी को पता है क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. जहां पे एफ का मतलब क्या है? तो वेव स्पीड वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. ये याद रखना, लिख लो ये सब ऐसे डायग्राम बना करके. अब थोड़ा हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं. सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां पे नहीं होना चाहिए? चलो ग्रेट. अच्छा, तो क्वेश्चन ये आता है, एक टर्म होता है बेटा इसी में, इसी को समझ लेते. वेव पढ़ रहे ना, देखो लैम्डा तो क्या है? वेव लेंथ.
एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं वन वेव, किसे बोलते हैं, व्हाट इज वन वेव? वन वेव से आप क्या समझते हो? तो बोलते जब कभी एक वेव बोले ना तो आप समझो एक वेवलेंथ। इन दोनों में से किसी एक को भी कंसीडर कर लो, ये एक वेव है, ये और ये, दिस इज वन वेव। वन वेवलेंथ इज नोन एज द यूनिट ऑफ होल प्रोपोगेशन, जिसमें एक वेवलेंथ को काट के निकाल दो तो वही वन वेव। तो मैं बोल दूं कि भाई ऐसे एक, ऐसे दो, कितने वेव हैं? तो इसमें बोलोगे नंबर ऑफ वेव कितने हैं? थ्री। बोलो ना, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन। जितने वेवलेंथ बनेंगे उतना वेव हो। समझ में आया? अगर पूछा जाए वेव नंबर बताओ, वेव नंबर इज डिफाइंड एज हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव इन वन यूनिट लेंथ। वेव नंबर वी बार इज टर्म्ड एज वन बाई लैम्डा। एक यूनिट लेंथ में कितने वेव लेंथ? पर एक टर्म आता है नंबर ऑफ वेव। बड़ा अजीब सा है यार, अभी बोलोगे सर इसमें इसमें डिफरेंस क्या है? तो बोलते हैं वेव नंबर वन यूनिट लेंथ में कितना वेव लेंथ है उसको बताता है, जबकि नंबर ऑफ वेव बताता है एल लेंथ में कितना वेव लेंथ है, एल बाई लैम्डा। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, मीटर मीटर कट जाएगा, ये यूनिट वाला क्वांटिटी। इसमें ऐसा आएगा 5 per cm, मतलब 1 cm में 5 वेव है, और ये नंबर आएगा सिर्फ 5, मतलब दिए हुए लेंथ में 5 वेवलेंथ है, उसमें कोई यूनिट। ये बात लिखो बहुत बढ़िया से, ये बड़ा खतरनाक सा पॉइंट है, बहुत गलती करते हैं बच्चे। डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ एंड सॉरी वेव नंबर एंड नंबर ऑफ वेव्स। What is the difference between wave number and number of wave? लिखो, wave number is defined as the number of wavelengths in unit length. Its SI unit is meter inverse. लेंथ इनवर्स है ना, बेसिकली डायमेंशनल क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस नहीं। वेर एज नंबर ऑफ वेव इज अ यूनिटलेस यूनिटलेस क्वांटिटी, इट टेल्स द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन गिवन लेंथ, इट टेल्स द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन गिवन लेंथ। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कुछ करने के लिए, राइट इट डाउन।
पहला लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स इन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लेंथ, इफ वेव लेंथ इज 2.5 माइक्रोमीटर, वेवलेंथ कितना है 2.5 माइक्रोमीटर. ऑल्सो फाइंड, और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड वेव नंबर इन कौन से यूनिट में, मीटर इनवर्स, इन मीटर इनवर्स यूनिट. चलिए बेटा इसको निकालिए. निकाल लिया. निकाल लिया सबने. बोलिए कितना लिखा था मैंने, 5 सेंटीमीटर इनवर्स, यही लिखा था क्या ये सर? मैंने पूछा था पहले आपको लैम्डा कितना दिया मैंने, माइक्रोमीटर, और मैंने क्या पूछा, सबसे पहले वेव नंबर बताओ. वेव नंबर क्या होता है जी, 1/λ, 1/2.5 माइक्रोमीटर. बताओ बेटा एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^-6 मीटर. हमेशा याद रखना माइक्रो का मतलब 10^-6 होता है. तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, 10^6/2.5 मीटर पे पावर माइनस. इसी यूनिट में मैंने पूछा था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर क्या कर लो, 10 × 10^-5/2.5 मीटर इनवर्स. अब बताओ 10 को 2.5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 × 10^5 मीटर इनवर्स आ गया ना. बोलो कितने लोग का ये आंसर मैच किया था, वेव नंबर जो मैंने पूछा था आंसर आया. अब नंबर ऑफ वेव कितना होगा, ये तो होता है L/λ. लेंथ कितना दिया है मैंने, 5 सेंटीमीटर, यही दिया है ना, और वेव लेंथ कितना दिया है, 2.5 माइक्रोमीटर. तो अब कितने लोग कह रहे हैं, सबको मीटर में बदलेंगे तो ऊपर से कट जाएगा. सेंटी का मतलब क्या होता है, 10^-2, और माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10^-6. मीटर से मीटर कट गया और ये 6 ऊपर जाएगा तो यहां जुड़ जाएगा, -2 + 6 कितना हो गया, 4, 10^4,
5/2.5 × 10^4 ये आ गया 2 × 10^4 यानी 20,000। कितने वेव हैं? 20,000 वेव लेंथ है। कितने लेंथ में? 5 सेंटीमीटर लेंथ में। तो क्या आपको समझ में आया यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां पे? हाँ, नहीं है? तो आज हमने लाइट को समझा, लाइट के अंदर हमने समझा कि वेव कैरेक्टर होता है एंड पार्टिकल, दोनों नेचर होता है, और वेव क्या होता है वो समझा, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है वो समझा, ट्रांसवर्स वेव क्या है वो समझा, एंड फाइनली इसके अंदर वेव लेंथ क्या होता है, वेव स्पीड क्या होता है, वेव स्पीड, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब में आपस में रिलेशन देखा। सबको यहां तक क्लियर है? तो आज का क्लास फिर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम बोहर मॉडल ऑफ एटम पे आएंगे, एंड कल मैं आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी तक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन, सी यू गाइस टुमारो।